आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रतिशत निकालने के बारे में कि आखिर कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रतिशत मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें कि प्रतिशत मतलब होता है 100, क्या होता है 100। तो चलिए अब यहाँ पर क्या लिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिए, अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 200 है, 200 का क्या है 20% है। अब इसको अगर समझते हैं तो क्या है 200, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखते हैं, यहाँ पर 200 लिखेंगे और का मतलब क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है यानी कि गुना का चिन्ह लगता है, गुना का सिंबल होता है। उसके बाद क्या बोला 20% मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। उसके बाद परसेंट मतलब आपको बताएं क्या है 100 होता है, तो 100 कहाँ होगा नीचे हो जाएगा, 100 कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा 20/100। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 जीरो है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है इसका, यहाँ पर 2 बच्चा है, यहाँ पर 20 बच्चा है, ठीक है। तो ये 2 ये 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे हमेशा क्या 1 छिपा रहता है, तो ये जो 2 है ये 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 × 20 लिखेंगे यानी कि 20 दुगने क्या हो जाएगा, 20 दुगने 40 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर एकदम सिंपल तरीके से। उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लिया, अब इसको अगर देखेंगे यहाँ पर क्या है 840, अगर इसका 50% निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 840 लिखेंगे। उसके बाद क्या है का मतलब क्या होता है, गुना होता है। उसके बाद 50% है, तो 50% के यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे और परसेंट मतलब हमेशा क्या होता है 100 होता है, 100, तो 100 को नीचे लिख देंगे। अब देखिए अब क्या क्या कैंसिल होता है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 84 है और इसके नीचे क्या छिपा है 1 छिपा है, उसको लिखने का जरूरत नहीं होता है। अब यहाँ 84 है, ऊपर में यहाँ 5 है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 84 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 84 को 5 से तो क्या हो जाएगा 5 × 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाथ में रहेगा, फिर 5 × 8 = 40 और 2 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 84 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या लिए हैं 1260 लिए, इसका 130%, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1260 लिखेंगे। अब का मतलब क्या होता है, गुना होता है, उसके बाद 130 लिए यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या है परसेंटेज मतलब नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब देखेंगे क्या क्या कटता है, कैंसिल होता है, तो यहाँ पर 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है 126 बचा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 126 लिखेंगे। उसके बाद क्या यहाँ पर 13 है, तो 126 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 126 को जब यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 126 लिखेंगे, यहाँ पर 13 लिखेंगे। फिर देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पर 13 से जब करेंगे क्या होगा, 13 से अब डायरेक्ट करते हैं, 13 × 6 कितना होता है, 13 × 6 = 78 होता है, 78 को 8 लिखेंगे, यहाँ पर 7 बच जाता है। फिर लिखेंगे 13 × 2 = 13 कितना होगा, 13 × 2 = 26 होगा, 26 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 7 जोड़ेंगे तो 6 और 7 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 × 1 = 3 यानी कि 33 हो जाएगा। 33 का क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, हाथ ऊपर में 3 रह जाएगा। उसके बाद 13 × 13 = 13 कितना हो जाएगा, 13 × 3 = 16 हो जाएगा यानी कि 1628। तो इसका जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1638 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिया, क्या सीख लिए, यहाँ पर प्रतिशत निकालना सीख लिए बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल देके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो भी मैथ्स का हो, जो आपको मैथ्स रिलेटेड हो, आपको मैथ्स में और बेटर बनाने के लिए आपको इस चैनल पर इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।